हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट वन में क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। देखो बेटा, आज मैं आपको घटाव के सवाल, गुणा के सवाल एंड भाग के सवाल बताऊंगी, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, घटाइए। सवाल दे रखा है हमें 7, 3, 1, 8, मतलब 73 में से 18 हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है? घटाना है, ठीक है? तो हम सवाल कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इकाई से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इकाई से, तीन। और हाँ, ये चीज हमने जोड़ में क्या किया था, जोड़ में हमने इसे और इसे क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन हम घटाओ में क्या करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे, है ना? तो हमें क्या दे रखा है ऊपर, तीन। तीन में से हमें कितना घटाना है, आठ। तो तीन में से आठ घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा ना। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि तीन तो कम है और आठ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, तीन के जो पास में मतलब दहाई जो अंक है ना, सात, उसमें से हम एक उधार लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, तीन, तीन में से आठ नहीं घटेगा, तो हम इससे एक उधार लेंगे। यहाँ पे कितना है, ये तीन, इससे एक उधार लिए, यहाँ पे कितना हो गया, 13। हम ऊपर लिख देंगे 13, ठीक है? अब हमें 13 हो गया, 13 मतलब ज्यादा संख्या हो गई, तो 13 में से 8 अब आराम से घट सकता है, ठीक है? तो 13 में से 8 हमें घटाने हैं। क्या करेंगे हम, 13 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमने 13 लाइनें खींच ली हैं। अब हम 13 में से 8 घटाते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने 8 लाइनें काट दी हैं। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची हैं, उनको काउंट करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी लाइनें बची हमारे पास? 5 लाइनें। 13 में से 8 घटे तो 5। कितने बचे? 5। अब दहाई पे आ जाते हैं हम। 7 ने 1 इसको उधार दे दिया, ठीक है? तो 7 में से जब 1 हमारा इधर चला गया, तो कितने बचे? हम फिंगर टिप पे भी गिन सकते हैं इसको। जैसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हमारा कहाँ आया? तीसरी उंगली के फर्स्ट वाले इस पर, है ना? तो 7 में से 1 इसने इसको दे दिया 3 को, तो हमने 1 इसको हटा दिया। कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास यहाँ कितने बचे? 6। अब हमारे पास यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे कितना है हमारे पास में? 6 है हमारे पास में। यहाँ पर 6 लाइनें खींचेंगे अब हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से कितना घटाना है हमें? 1। ये 1 हमने काट दिया। अब जो बची हुई लाइनें हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इट मीन्स उनको टोटल जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 6 में से 1 जब हमने घटा दिया, तो क्या बचा? 5। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसी तरीके से हम हमारा सेकंड जो सवाल है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है, और ये हम जो लाइनें हमने जो खींची थी, उन्हें भी हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 6 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। क्या करेंगे हम, 8 से 1 उधार लेंगे। 1 हमने ले लिया इससे, तो 6 लिख दिया यहाँ पर, 1 इससे लिए, यहाँ पे कितने हो गए, 16। अब हम हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 16। तो 16 लाइनें खींचेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 9 काटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारे पास जो लाइनें बची हुई हैं, हम उन्हें गिनकर यहाँ पर लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 16 में से जब 9 घटे, तो क्या बचा, 7। क्या बचा हमारे पास में, 7, ठीक है?
प्लस में देखो, आठ के ऊपर क्या आता है? सात। तो आठ में से जब एक इसने इसको दिया तो कितने बचे यहाँ पे हमारे पास में? सात। सात, अब ये कितना हो गया यहाँ पे? सात। तो हमें सात में से पांच घटाना है। हम क्या करेंगे बेटा, अब हम हमारा तीसरा सवाल करेंगे जैसे हमने ये किए हैं वैसे ही। ओके, सात, सात में से आठ घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि सात छोटा है और आठ बड़ा है। सात हमारे पास कम है और आठ हमारे पास ज्यादा है, तो सात में से आठ जाहिर सी बात है घट ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इस छह से हम एक लेंगे। तो यहाँ पे सेवन, सात का सात हमने लिख दिया, और जो हमने एक इधर से लिया है वो हम इसके पास में लिख दिया। अब हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे? सत्रह। क्या करेंगे हम? सत्रह लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। हमने हमारी सत्रह लाइनें पूरी खींच ली हैं। सत्रह में से कितने माइनस करने हैं हमें? आठ। हमने जैसे ये सवाल किए थे वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ओके, सात में से हमें अब आठ घटाना है, तो सात में से आठ घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि सात कम है और आठ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, छह से एक लेंगे। सात हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और एक जो इससे लिया है वो हम इसके पास में दहाई अंक में मतलब लिख देंगे। अब हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे? सत्रह। क्या करेंगे? सत्रह लाइन खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। हमने यहाँ पे सत्रह लाइनें खींच ली हैं। ओके, अब सत्रह में से हमें आठ माइनस करनी है। करें, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब जो बची हुई लाइनें हैं उनको हम काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। सत्रह में से आठ घटे नौ। अब एक इसने इसको दे दिया, तो छह में से एक घटा पांच, वो पांच हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? पांच। पांच में से हमें क्या करना है? तीन घटाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच में से हमें तीन घटाना है, तीन लाइनें काट देंगे हम। एक, दो, तीन, कितनी लाइनें बची? एक, दो। ठीक है, पांच में से तीन घटे दो। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गुणा कीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए इसमें, चार इंटू आठ, चार को हमें आठ से गुणा करना है। हमें गुणा के सवाल में देखो एक ये फायदा होता है कि हम इधर से भी गुणा कर सकते हैं और इधर से भी गुणा कर सकते हैं। आप चार का पहाड़ा आठ बार बोलोगे तब भी वही आएगा, और आठ का पहाड़ा आप चार बार बोलोगे तब भी वही आएगा। तो बोले हम, देखो, चार का पहाड़ा हम आठ बार बोलते हैं। चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तिया बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार छिंग चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, चार अठे बत्तीस। क्या आया चार अठे बत्तीस? चार अठे बत्तीस। ओके, नेक्स्ट है हमारा आठ का पहाड़ा, हमें बोलना है सात बार। आठ एकम आठ, आठ दुनी सोलह, आठ तिया चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंजे चालीस, आठ छिंग अड़तालीस, आठ सत्ते छप्पन। ये हमने इधर से किया, आठ सत्ते छप्पन। सात का पहाड़ा हम आठ बार बोलेंगे, सात अट्ठे छप्पन। ठीक है, अगला है पांच का पहाड़ा दस बार। पांच एकम पांच, पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौक बीस, पचम पच्चीस, पांच छिंग तीस, पांच सत्ते पैंतीस, पांच अठे चालीस, पांच नाम पैतालीस, पांच ढाई पचास। ठीक है, पांच ढाई पचास। और दस का पहाड़ा जब हम पांच बार बोलेंगे, दस पंजे पचास। ओके, ये हमारा हो गया गुणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भाग कीजिए। भाग का सवाल है, जो पीछे वाला जो अंक है उसका पहाड़ा हमें इस बार इसमें बोलना है कि ये कितनी बार आएगा। तो चार के पहाड़े में चार कितनी बार आएगा? चार एकम चार, कितनी बार आया? एक बार। अगला है छह का पहाड़ा, बोलो छह के पहाड़े में चौवन कितनी बार आएगा? छह एकम छह, छह दुनी बारह, छह एकम छह, छह दुनी बारह, छह तिया अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंजे तीस, छह चिंग छत्तीस, छह सत्ते बयालीस, छह अट्ठे अड़तालीस, छह नाम चौवन। कितनी बार आया चौवन? नौ बार। ये हमने नौ यहाँ लिख लिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, छः नाम चौवन। अगला है हमारा लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर सी। आठ का पहाड़ा बोलना है हमें, अड़तालीस।
6 कितनी बार आएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छी 48। गिने इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आया? 6 बार, 8 छी 48। इससे आगे का हम बेटा नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसे आप अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है? ओके, थैंक यू।